नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप स्नैपचैट एप्लीकेशन में आप अपनी फ़ोटो से वीडियो कैसे बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि स्नैपचैट एप्लीकेशन में अपनी फ़ोटो से म्यूज़िक के साथ वीडियो कैसे क्रिएट करें, और अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, अगर आप भी जानना चाहते हो कि स्नैपचैट में हम अपनी फ़ोटो से म्यूज़िक के साथ वीडियो कैसे क्रिएट करें, तो सबसे पहले गाइज़ आपको अपने मोबाइल में स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही दोस्तों आप स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन करोगे, स्नैपचैट ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखते हो स्नैपचैट एप्लीकेशन में सिर्फ यहाँ से आप जो है फ़ोटो क्लिक करके उस पर आप म्यूज़िक ऐड करके अपनी जो है स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप अपनी फ़ोटो से वीडियो क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल गाइस यहाँ पर आप देखते हो मैं किसी एक फ़ोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करें, तो जैसे मैंने ये फ़ोटो कैप्चर करा, इसके बाद यहाँ पर आप देखते हो म्यूज़िक ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप किसी सॉन्ग को सेलेक्ट कर सकते हो। सॉन्ग मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर फ़ोटो पर म्यूज़िक ऐड हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आप जो है अपनी फ़ोटो से म्यूज़िक वीडियो नहीं बना सकते। जी दोस्तों, आप जो है अपनी मल्टीपल फ़ोटो ऐड करके अपनी फ़ोटो से गाने के साथ वीडियो क्रिएट नहीं कर सकते। इस तरीके से आप अपनी फ़ोटो पर म्यूज़िक डाल करके आप स्टोरी बना सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपनी फ़ोटो से मल्टीपल फ़ोटो से वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो वो कैसे आप कर सकते हो, तो इसके लिए गाइस आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है इनशॉट एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, प्ले स्टोर से आपको इनशॉट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। सिंपली आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है इनशॉट ऐप, और आपको इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसे डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस वीडियो ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसके बाद ऊपर की ओर इस फोटो ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर इस फोल्डर में से आपको अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है जिस भी फ़ोटो से आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हो, जिस भी फ़ोटो पर आप जो है गाना ऐड करके अपनी फ़ोटो से वीडियो बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं अपनी फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप जितनी भी फ़ोटो से वीडियो बनाना चाहते हो आपको अपनी फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, और गाइस फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको इस टिक ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फिलहाल गाइस मैंने जो है यहाँ पर अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है। तो गाइस आपको भी अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको टिक पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देखते हो हमारी जो है फ़ोटो इम्पोर्ट हो चुकी है। और फ़ोटो इम्पोर्ट होने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको अपनी हर एक फ़ोटो की टाइमिंग को सेट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक ड्यूरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको ड्यूरेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अपनी हर एक फ़ोटो की टाइमिंग को सेट कर लेना है। तो फिलहाल गाइज मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर अपनी हर एक फ़ोटो की टाइमिंग यहाँ पर 3 सेकेंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। 3 सेकेंड मैंने अपनी हर एक फ़ोटो की टाइमिंग को सेट करा, इसके बाद यहाँ पर डबल टिक पर क्लिक कर लेता हूँ, अप्लाई ऑल टू पर आपको क्लिक करना है, जिससे कि दोस्तों आपकी हर एक फ़ोटो की टाइमिंग यहाँ पर जो है सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखते हो 3 सेकेंड बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर जो है कम कर लेता हूँ। तो इसके लिए फिर से मैं ड्यूरेशन पर क्लिक करके यहाँ पर 2 सेकेंड यहाँ पर कर लेता हूँ, तो मैंने 2 सेकेंड कर लिए। इसके बाद यहाँ पर डबल टिक पर फिर से क्लिक करके अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करके यहाँ पर आप देखते हो हर एक फ़ोटो की टाइमिंग यहाँ पर सेट हो चुकी है। और इसके बाद गाइज आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जो अपनी हर एक फ़ोटो के बीच में आपको पेंसिल का आइकन मिल जाता है, तो आपको इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करके आपको जो है ट्रांजिशन ऐड कर लेना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रांजिशन देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल गाइज मैं यहाँ पर अपनी हर एक फ़ोटो में पेंसिल आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर जो है ट्रांजिशन ऐड कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको अपनी हर एक फ़ोटो में जो है ट्रांजिशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको जो भी ट्रांजिशन अच्छा लगता है आप अपना ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो, तो मैंने ट्रांजिशन सेलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखते हो हर एक फ़ोटो में यहाँ पर जो है ट्रांजिशन ऐड हो चुका है, और इसके बाद यहाँ पर आप देखते हो मैं यहाँ पर इस वाली फ़ोटो पर भी जो है ट्रांजिशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो में म्यूज़िक ऐड करने के लिए गाइस आपको यहाँ पर एक म्यूज़िक का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली गाइस आपको म्यूज़िक ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है म्यूज़िक ऑप्शन पर फिर से आपको क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको जो इस एप्लीकेशन में यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़िक टोन मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर माई म्यूज़िक पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल के स्टोरेज में से किसी भी सॉन्ग को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल गाइज मैंने जो ऑलरेडी सॉन्ग डाउनलोड करके रखा है तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यूज़ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो में यहाँ पर म्यूज़िक ऐड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर जितना आपका वीडियो उतना जो है आपको अपना म्यूज़िक सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर वीडियो ख़त्म हो रहा है, तो मैं यहाँ पर लाइन को लास्ट में लेके आने के बाद इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ,
इसके बाद यहाँ से मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ। तो इसे ट्रिम करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर लाइन पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको स्प्लिट पर क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद डिलीट पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट जो है डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टिक ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख तुम्हारी फ़ोटो में यहाँ पर ट्रांजिशन ऐड हो चुका है और म्यूज़िक भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कैनवास ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपनी वीडियो का रेशियो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो आपको जो है आप जहाँ पर जहाँ जिसके लिए वीडियो बना रहे हो, जैसे मैं स्नैपचैट के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर जो है 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं टिक ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तुम्हारी जो है फोटो से वीडियो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर स्टिकर और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे स्टिकर पर क्लिक करने के बाद स्टिकर ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, और फिल्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी हर एक फ़ोटो में फ़िल्टर भी डाल सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे एडिटिंग टूल मिल जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो तुम्हारी फ़ोटो से म्यूज़िक के साथ बहुत ही कमाल की वीडियो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। और इसे जो है यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप अपनी वीडियो में से लोगो रिमूव करना चाहते हो तो लोगो के ऊपर आपको इस कट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फ्री रिमूव पर क्लिक करके एक ऐड को वॉच करना है, और ऐड को पूरा वॉच करने के बाद आपकी वीडियो में से यहाँ पर इंसर्ट एप्लीकेशन का लोगो जो है यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो वीडियो में से लोगो यहाँ पर रिमूव हो चुका है। और इसके बाद गाइस यहाँ पर ऊपर की ओर सेव पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी वीडियो का जो है यहाँ पर क्वालिटी वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सिंपली सेव ऑप्शन पर क्लिक करना, और इस पर क्लिक करते आपकी वीडियो की एक्सपोर्टिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। आपको कुछ टाइम वेट करना, और गाइज कुछ ही सेकंड में यहाँ पर आपकी फ़ोटो आपकी वीडियो जो है आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। और इसके बाद गाइज आपको सिंपली स्नैपचैट एप्लीकेशन में जाना, और गाइज स्नैपचैट एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, और इसके बाद आपको कैमरा रोल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपकी वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सिंपली आपको अपनी वीडियो पर क्लिक करना, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी वीडियो प्ले हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर इस सेंड आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इस वीडियो को आप जो है आप देख सकते हो स्पॉटलाइट पर आप ऐड कर सकते हो, और स्पॉटलाइट पर ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप इस स्टोरी को आप इस वीडियो को अपने जो है स्नैपचैट की स्टोरी पर भी आप डाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अपने किसी भी फ्रेंड को भी आप सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने स्पॉटलाइट पर सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद इस सेंड पर क्लिक कर लेता, और यहाँ पर आप देख सकते हो स्पॉटलाइट पर ये जो है वीडियो ऐड हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो अपलोड हो रही है। तो इस तरीके से आप स्नैपचैट पर जो है आप अपनी फ़ोटो से म्यूज़िक के साथ भी आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये अपलोड होगी तो गाइज आपको स्नैपचैट की प्रोफाइल पर ये वीडियो आपको शो करेगी। जब भी आप प्रोफाइल ओपन करोगे, इसके बाद यहाँ पर जब भी आपकी प्रोफाइल को कोई विजिट करेगा तो आपकी प्रोफाइल पर जो है वीडियो क्लिप शो करेगी, यहाँ पर जो है स्पॉटलाइट पर आपकी वीडियो जो है शो करेगी। इसके अलावा यहाँ पर आप जो है अपनी फ़ोटो से वीडियो क्रिएट करके आप अपने किसी भी फ्रेंड को सेंड भी कर सकते हो, और आप अपनी स्नैपचैट की स्टोरी पर भी रख सकते हो। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप स्नैपचैट पर अपनी फ़ोटो से म्यूज़िक के साथ वीडियो क्रिएट कर सकते हो।